हम यहां पर पढ़ रहे थे अभिषेक गण पर लगने वाला चुंबकी बल। ये मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है। और इस चुंबकी बल को जब हमने यहाँ पर समझाया हुआ था, मैंने क्या लिया था, यहाँ पर एक ये बोर्ड लिया था, एक इसके ऊपर ये धन कण लिया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यहाँ पर ली थी, ये यहाँ से कोण थीटा वी बना रहा था, तो यहाँ पर कंपोनेंट वी साइन थीटा गया था, ठीक है। अब कण यहाँ पर के ऊपर एक बल एफ लग रहा था, एफ इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास, क्यू बी क्रॉस बी की वैल्यू के इक्वल लग रहा था, ठीक है। इसी कण को हम क्या बोल रहे थे, लॉरेंज लॉरेंज बल बोल रहे थे। इस लॉरेंज बल की दिशा वैल्यू एफ इक्वल टू कितनी आ रही थी, क्यू वी क्रॉस बी की वैल्यू के इक्वल आ रही थी। हमने इसकी डिफरेंट कंडीशन को डिफाइन किया था, इसको हम क्या बोल रहे थे, क्यू वी बी साइन थीटा लेके चल रहे थे, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, जब किसी आवेशित चालक पर चुंबकीय बल लगता है तो लगने वाले बल को कैलकुलेट करने की हम दिशा निकालते हैं, और ये जो दिशा निकाली जाती है वो मैं यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कह देता हूँ, ठीक है। तो लॉरेंज ने जिस बल की दिशा यहाँ पर निकाली थी उसको मैं क्या बोल देता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। ये मेरे पास दिया जाता है, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, ये हो गई तर्जनी, तर्जनी को हम क्या बोल देते हैं, फोर फिंगर भी बोल देते हैं, फोर फिंगर ठीक मध्यमा ये हो गई आपके पास, ठीक मिडिल फिंगर एवं अंगूठे, इसको हम बोल देते हैं हम को लंबवत फैलाया जावे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बाएं हाथ की तर्जनी यानी फोर फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को हम लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मिडिल फिंगर मध्यमा चालक के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे तो आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे द्वारा प्रदर्शित की जाती है। देखिए, अगर मैं ये तर्जनी ध्यान से हो तो देखना, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा और ये है चुंबकीय क्षेत्र। यदि ये तर्जनी चालक के चुंबकीय क्षेत्र, यानी मेरे पास क्या हो रहा है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा आवेशित कण की दिशा को हम इस वेग v से फेंक रहे हैं, प्रदर्शित किया जाए तो ये थंब या अंगूठा चालक यानी कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको ऐसा मान लीजिए कि इस साइड मेरे पास नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी, इस पर मैंने एक कण ऐसा होता फेंका तो आवेशित कण पर लगने वाला वेग की दिशा, तो बल ऊपर की दिशा को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इसी को मैंने दोनों स्लाइड में आपको तो समझाया हुआ है, ध्यान से हो तो देखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताया है बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैला दिया जाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे तो मेरे पास कण पर लगने वाला बल जो होगा वो थंब के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसी को मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता हूँ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा किसी आवेशित कण के गति शील होने पर अगर हम उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वेग से प्रवेश कराएं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण का वेग त्रिज्या एवं आवर्त काल देखिए, मैंने आपको तो बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है तो हम इसको क्रॉस से शो कर देते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास
एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक। ये मैंने यहां पर ले लिया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने ऐसा दिया हुआ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से एक कण को वेग v से प्रवेश करा दिया, तो इस पर लगने वाला बल ऊपर जाएगा, और ऐसा ऐसा करते करते ये वृत्ताकार मार्ग में यहाँ पर कैसा होगा, घूमने लगेगा। तो कण का वेग यहाँ पर v वेग से वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, आवेश के गति की दिशा, लगने वाला बल ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो इधर, फिर ये कैसा होगा, इधर जाएगा तो बल नीचे, तो ये कण कैसा होगा, एक वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है, ठीक है। यदि आवेशित आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से प्रवेशित करवाया जावे। देखिए हमारे पास कैसा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मैंने यहां पर ऐसा 90 डिग्री से फेंका, तो ये ऐसा 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 घूमते हुए वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, प्रवेशित किया जावे, तो यह है वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। देखिए ये वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसलिए कण का अभिकेंद्रीय बल जब आपको मालूम है कि अगर कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कण पर लगने वाला बल क्यू वी बी साइन 90 के इक्वल होगा, क्योंकि कण को मैंने क्या किया है, लंबवत प्रवेश कराया हुआ है। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन हो तो बन गई, मैंने यहां पर कैलकुलेशन में ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेकर रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब मैंने कण को लिया था, ठीक है, तो कण इस वृत्ताकार मार्ग में कैसा हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ पर वेग यहाँ यहाँ निकल रहा है। तो अब भी मैंने क्या बताया, इसके ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एम आवेशित कण का द्रव्यमान है, ठीक है, आवेशित कण का द्रव्यमान, वी आवेशित कण का वेग, आर त्रिज्या, एक काल्पनिक त्रिज्या जिसमें ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, क्यू कण पर आवेश, ठीक, बी चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता, तो बी यहां पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वी आवेशित कण का वेग, तो ये कैसा हो गया, आवेशित कण का वेग हो गया। इतनी टर्मोलॉजी हमारे पास यहां पर आ जाती है, इसलिए वो तो देखिए, इसलिए एमवी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी के इक्वल आ जाएगा। इस बी और एक वी को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, इसलिए मेरे पास यहां पर बचेगा एमवी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। ठीक, आप वेग निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं फिर से कर दे रहा हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, एक बी से कैंसिल, तो एम वी इक्वल टू क्यू बी आर, तो वी इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू बी आर बाई एम, ये इसका वेग निकल आता है। ठीक है, दूसरा मैं इसकी त्रिज्या निकाल लूं, तो ये समीकरण ले लीजिए, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी के इक्वल आ जाएगा। नंबर तीसरा, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, तो देखिए इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, आपको मालूम है अगर कण वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, इसकी त्रिज्या r है, तो पथ कितने के बराबर हो जाता है, टू टू पाई r के बराबर, और इसमें लगा हुआ समय कितना है t, कितने को वेग से घूम रहा है, वेग v, तो v बराबर कितना जाएगा, दूरी, दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, टू पाई r समय t, इसलिए t बराबर टू पाई r अपॉन v। ठीक, v की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा, q b r बाय m, r r कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 2 पाई m अपॉन q b, तो इसका आवर्त काल या टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना आता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी की वैल्यू के इक्वल आता है। तो ये कण का हमारे पास वेग समय काल आ जाता है। तो ये तीनों चीजें निकालने के लिए आती हैं आपके लिए, और ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।